So this is for those so-called psychomaniacs on social media who are also known as trollers. ऐसे कुछ लफंगे परिंदे हैं जो मेरे अकाउंट पे भी आके गंद मचाते हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता. पर हर कोई मेरे जैसा नहीं है, कई लोगों को फर्क पड़ता है. एंड उनमें से कुछ लोग मेरे चाहने वाले हैं. प्रिसाइसली एलिस हैज बीन गोइंग थ्रू शिट सिंस अ फ्यू मंथ्स बिकॉज कुछ अकाउंट्स हैं जो उसे बहुत नेक्स्ट लेवल हैरिस कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट्स करके, फैमिली लाइफ पे, हम पर. एंड इट्स नॉट कूल यार. मतलब कोई इस लेवल तक मतलब अफेक्ट हो कि उसे अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए और खुद को प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए ताकि वो ठीक फील करे, कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़े अपना. और कब तक अवॉइड करेगा इंसान यार. मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? देर आर अ फ्यू अकाउंट्स हु क्लेम टू बी माई फैंस हु आर राइटिंग नैस्टी. सो दिस इज फॉर दो सो कॉल्ड साइकोमेनियक्स ऑन सोशल मीडिया हु आर ऑल्सो नोन एज ट्रोलर्स. ऐसे कुछ लफंगे परिंदे हैं जो मेरे अकाउंट पे भी आके गंद मचाते हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता. पर हर कोई मेरे जैसा नहीं है, कई लोगों को फर्क पड़ता है. एंड उनमें से कुछ लोग मेरे चाहने वाले हैं. प्रिसाइसली एलिस हैज बीन गोइंग थ्रू शिट सिंस अ फ्यू मंथ्स बिकॉज कुछ अकाउंट्स हैं जो उसे बहुत नेक्स्ट लेवल हैरिस कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट्स करके, फैमिली लाइफ पे, हम पर. एंड इट्स नॉट कूल यार. मतलब कोई इस लेवल तक मतलब अफेक्ट हो कि उसे अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए और खुद को प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए ताकि वो ठीक फील करे, कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़े अपना. और कब तक अवॉइड करेगा इंसान यार. मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? देर आर अ फ्यू अकाउंट्स हु क्लेम टू बी माई फैंस हु आर राइटिंग नैस्टी.